पंचल रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको उपवास में खाने वाली फरारी चटनी बनाना बताएंगे। ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। इसके लिए हमने लिए हैं भुने हुए मूंगफली के दाने, इनको हमने छील लिया है। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा नींबू, हरी धनिया पत्ती और स्वाद अनुसार सीधा नमक। इन सभी को मिक्सर के जार में डालें। नमक स्वाद अनुसार और नींबू का रस और 1 से 2 चम्मच पानी, इन सभी को डालकर अच्छे से पीस कर इनका एक पेस्ट बना। हमने सभी चीजों को पीस कर उसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और इसमें बघार भी लगा सकते हैं। बघार लगाने के लिए हमें चाहिए फ्राई पैन में तेल डाल के उसमें लाल मिर्च, जीरा और करी पत्ता डालें और उसे पेस्ट में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। फरारी चटनी बनकर तैयार है। आप भी इस तरह से चटनी बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।